अब बारात काल हाय भैया, और अबे तक लौंडवा नहीं आवा, न बाजारे का है, न कपड़ा लावा, न बासन लावा, न राशन लावा, पता नहीं बजरिया में का करे ला। अच्छा एक दिन तो साथे वहां देखो साई तब तय हुई है। का है काका? अबे बिरजू नहीं आए सामान मान लेके? अरे जाना था, मोटे दिमाग के हये है लौंडावा तुम्हारा। जहाँ सौदा ले लागत हुए रुके रहा थो, और जहाँ सौदा लिए लागत हुआ एक दुकान में थोड़ा दौड़ा था। चलो जने साथे यहाँ हुए। यह बात तो सही कहो काका, हम बैठो फिर यहाँ पे औका कीन जाए। गलती हो गए का? बारात तो काल हवे कहीं बाबू। हर कुतुम बात मेरी सुनो ध्यान से, शादी करने से इनकार करता हूं मैं। फालतू बात करने ये क्या फायदा, जो कुछ कहना था वो मैं कह। अरखो कहा शादी से खोल कर थुन, शादी से इनकार है? जमीन में रह के अंबर का ख्वाब देखने लगा है। ठाकुर साहब अगर आपका शादी नहीं करे का रहा तो का करे का? हाँ करो, कल है बारात आवे का। तू तो नौता हकार बांट दी ना, अगर हमारी बिटिया में कोनो कमी हो तो का बताए दो लंबर। कोई कमी तेरी लड़की में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कमी तेरे अंदर है। कली में रेंगने वाला गंदा कीड़ा हवेली की सीढ़ियों की ख्वाब दिखता है। अरे तो क्या दे सकता है तू दहेज में? क्या मुझे सोने की चैन और अंगूठी दे सकता है? अरे मालिक, ना सोने के चैन अंगूठी दे तो आपका लोलर दे दे भाई। जवान खामोश रखो वरना ये पीरा सिंह की खोपड़ी घूम गई ना तो समझो बंटा। मैं जा रहा हूं और अपने भेजे से ये बात निकाल देने का, मैं शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अरे बापू, बिटिया जहां से तुम्हारा रिश्ता लाग रहा बिटिया वो आवा रहे हैं वही। तो क्या हुआ बापू? बिटिया शादी से वो इनकार कर गया। Oh.
बापू वाह, अरे क्या बात है, चुप आज सब लोग उदास बैठे और बापू भी रो रहे, बहन भी रो रही। और बात क्या है सच सच बता दीजिए, बात क्या है। बहना मेरी कसम कुछ छिपावो नहीं, और माँ जीरा क्या है सच सच बता दीजिए, जीरा क्या है सच। फुलवा कौन सी ऐसी बात है जो तुम पिलक पिलक कर रो रही हो? भैया सदी की हमारी जा, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? करी कर, ये क्या कह रही है तू? बस सी बात सी बापू भी रो रे, बस सी बात से बापू भी रो रे, बस इसी से मेरा सुना संसार। मेरी बहना, तू इस बात के लिए इतनी बड़ी फिक्र कर रखा है, और मेरी बहना जरा भी फिक्र ना करो, मेरी बहना जब तलक तेरा भाई मौजूद है, जब तलक तेरा भाई मौजूद है, और इसी की चिंता जरा सा बहनी ना करो,
बाबू फुलवा को समझाओ, मन को धीर बंधाओ। हाँ बिटिया ना रो, अरे उससे अच्छा बर मिले बिठवा, ना रो एक बार करके तो करके बिरजू। बापू आपको बहुत तेज बुखार है, आप आराम करें। ए फुलवा दी इधर तो आओ, देख गुड़िया रानी जब तक तेरा भाई चिंदा है इस बात की फिकर मत कर गुड़िया, इधर आओ। तुम तो जानती हो और मेरे लिए तो तुम मेरे जीने की मंजिल हो मेरी बहना। हाँ गुड़िया रानी तुम तो इस घर का एक चिराग हो ना। हाँ हंसो थोड़ा सा हंसो, हंसो। जानती हूँ फुलवा तेरी शादी एक दिन बड़े धूमधाम से रचाएंगे कि दुनिया वाले देखकर दंग रह जाएंगे। हाँ गुड़िया रानी एक बात कहूं, चल हंस दे थोड़ा सा, हंस दे हंस दे। अरे गुड़िया क्यों नहीं, मैंने समझाया ना तुम्हें, तुम फिकर मत करो, एक दिन तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से रचाएंगे। जानती हो मेरी प्यारी बहनिया, ए गुड़िया रानी इन आंसुओं को उस दिन बहाना जिस दिन तुम्हें प्यार से डोली में बिठा दूंगा, तू उस दिन के लिए ना। चलो हंसो हंसो। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। सोलह सिंगार मेरी बहन करेगी, सिंगार मेरी बहन करेगी, मेहंदी लगेगी और टीका सजेगा, सोलह सिंगार मेरी बहन करेगी, मेहंदी लगेगी और टीका सजेगा, बहन के नाकों में के नाकों में झूलेगी झूलनिया, उससे झूलेंगे उससे झूलेंगे झूले राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा। बनेगी झूलनिया मेरी प्यारी बहनिया, बनेगी झूलनिया, सच आएंगे
बीरा सिंह शादी कैंसिल करके वापस आया? नो सर, वापस नहीं आया। कौन मुंह लेके आई है? पता लगाओ कि शादी कैंसिल किया या नहीं। बहुत अच्छी बात है, अभी जा रहा हूँ। पता लगाओ। राम राम बड़े ठाकुर। बीरा सिंह कैया बड़े ठाकुर, तुम्हारे आने का मतलब कि शादी कैंसिल करके आए हो? भाई तुमने कहा था ना कि आऊंगा हवेली तो शादी कैंसिल करके ही आऊंगा। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि शादी कैंसिल करके ही ये शक्ल दिखाऊंगा अपनी। शादी कैंसिल हो चुकी है बड़े ठाकुर। शादी कैंसिल हो गई? हाँ, आप बताइए हमें क्या करना है। अब तुम्हें करना क्या है? हाँ बोलो, करना क्या है? तो बीरा सिंह फुलवा के घर चले जाइए। बीरा सिंह फुलवा के घर, तो बीरा सिंह फुलवा के घर चले जाइए। वो जैसे भी हो बस बुला लाइए। मौजी मिल के लूटे के हम साथ में, सुबह होते उठे बस बठा आइए। शादी करने से जब मैंने इनकार की, शादी कर दे भला वहां जाऊंगा मैं। फुलवा अच्छी भी है, खूबसूरत भी है, कैसे जाके ये चेहरा मैं दिखलाऊंगा। फुलवा अच्छी भी बड़े ठाकुर, कौन सा खेल खेल रहे हो हमरे साथ में? एक बार शादी कैंसिल करो और दूसरी बार फिर फुलवा को फंसा के लाओ। अगर मैं अब की वहां गया ना तो जानते हो मेरे शादी कैंसिल करने पे वहां क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वहां लोग रो रो के मातम बना रहे हैं। ये चेहरा कैसे दिखाऊंगा मैं जाके फुलवा के घर में? इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता, माफ करना। सिंह ठाकुरों को बाया दिखाकर दाया मारा जाता है। ठाकुर वो कौन की दाया दिखा के बाया ना मारे। हाँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा बड़े ठाकुर, मेरी हिम्मत नहीं है। वहां के लोग ताला मारेंगे मुझे।
ठीक है मत जा। हाँ। लेकिन यह बता कि फुलवा मिलेगी कहाँ? हाँ इतना तो कर सकता हूँ। फुलवा अगर आप मिलना चाहते हैं बड़े ठाकुर तो आप सीधे खलिहान की तरफ जाए। वो खलिहान में ठीक 12 बजे के टाइम हरकू को खाना लेकर खाना देने जाती है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो रास्ते में बैठ जाए ताक लगा के, अब वह खुद ही मिल जाएगी वो। हाँ तो ठीक है हम आज फुलवा से मिलने खुद जाएंगे। फुलवा से मिलने हम खुद जाएंगे। हाँ बड़े ठाकुर तो जब तक हम वापस ना आए हवेली में ही रहना। ठीक है बड़े ठाकुर। वो खलिहान आती हाँ, है। हाँ खलिहान ठीक 12 बजे। कौन से रास्ते आती है? और जो अपने बाप की तरफ से रास्ता गया है उसी रास्ते से जाती है। वो जो बाग दिखाई दे रहा है अपना। हाँ। एकदम रास्ता सुनसान केवल फुलवा और आप। अच्छा मैं जाऊं नहीं जान कहीं निकल ना जाए। अच्छा बड़े ठाकुर चुन्नेलाल। मालिक को श्री राम। अच्छा श्री राम और इंडिकेटर। अब एक काम करो। वो कौन सा काम है छोटे ठाकुर? बड़े ठाकुर फुलवा से मिलने गए हैं। हाँ तो तुम लोग ठीक थोड़ी देर पर हाँ। जहां से जाओ थोड़ी देर के बाद अपने लठे तो कर लेकर रास्ते में बैठ जाओ। जी सर। अगर बड़े ठाकुर फुलवा से बात कुछ करते हैं बीच में कोई टांग लाता है तो उसकी टांग तोड़ दो वहीं पर। समझ गए? जी बाबू। और नहीं तो बीरा की खोपड़ी घूम गई ना तो समझ लो बंटा।